É seu. São 54 que ela tem, né? काफिर मेरे हिसाब से जितनी भी कहानियाँ मैंने आज तक सुनी हैं उनमें से एक ऐसी कहानी है जो मेरे ऊपर बहुत गहरा असर करती है। ह्यूमन स्टोरी है और मुझे ह्यूमन स्टोरीज़ में बहुत दिलचस्पी है। मेरा मानना ये है कि जब भी हम इंसानियत की कहानी देखते हैं तो वो हमारे अंदर कुछ स्टर करता है या जगाता है, और काफिर वैसी ही एक कहानी है। कैरेक्टर वगैरह थोड़ा सा डिस्कस मैं करें। आपको अपने कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकती क्योंकि ये बहुत जल्दी होगा, लेकिन जब Z5 सिद्धार्थ मल्होत्रा मेरे पास आए ये शो लेकर, तो मैं सबसे ज़्यादा उत्सुक हुई शूट स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आई थिंक पहली बार मुझे एक ऐसा किरदार प्ले करने का मौका मिल रहा है जहाँ पर मुझे बहुत गहराई से उसे समझना पड़ा। इसमें इतनी इतनी संघर्ष है इस किरदार की कहानी में, तो एज अ एक्टर ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे है। अलावा जो भी प्रोजेक्ट चूज़ करते हैं, आपने शूज़ जो होता है काफ़ी देख के चूज़ करते हैं, जी काफ़ी फ्रेंडली होता है। जी इसमें क्या खास बात लगी आपको कि करना ही चाहिए सीधे साथ? देखिए, कहानी असली वाक्यों पर आधारित है, इंस्पायर्ड है। तो जब भी कोई भी कहानी ट्रू इवेंट्स पर से इंस्पायर होती है तो उसमें ऑब्वियसली एक इंस्टेंट कनेक्शन मिल जाता है, एक इंस्टेंट ह्यूमन कनेक्शन। और आप सही कह रहे हैं, मैं अपने काम को लेकर चूज़ी इसलिए हूँ क्योंकि मैं अपना काम बहुत प्यार से करती हूँ और मुझे ऐसे माहौल में काम करना अच्छा लगता है जहाँ पर रोज़ एक एहसास होता है कि हमने कुछ अच्छा किया। और वैसी कहानियाँ रोज़ रोज़ नहीं मिलती, तो जब मिल जाती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। हिमाचल का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? काश में क्रिएट हुआ है वहाँ पे जीतने का मौका मिला। पतंग हिमाचल, उड़ाते हुए भी आपके कुछ फोटोज आए थे वहाँ। आई थिंक हिमाचल हमारे देश में एक ऐसा स्टेट है जो सबसे खूबसूरत स्टेट्स में से एक है। वहाँ की वादियाँ, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो हम लोग अगर दिन में 16 घंटे भी काम करते थे तो कभी थकान महसूस नहीं होती थी क्योंकि आप जहाँ पर भी देखो खूबसूरती नज़र आती है। वो माइनस में डिग्री सेल्सियस था वहाँ पे जी, तापमान, ठंड क्योंकि आप था, वहाँ पे ठंड था और ठंड यहाँ पे देख रहे थी। 32 हाँ, हवा है, तो किस तरह का आई क्लाइमेट थिंक सिर्फ एक ही डिस्टर्ब प्रॉब्लम है कि जब आप गर्म कपड़े पहनकर गर्मी में काम करते हो तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन गर्म कपड़े पहनकर आप जब ठंडी जगह में काम करते हो तो अच्छा लगता है। तो वहाँ की कंटिन्यूटी जो थी, जो अब हम लोग मुंबई में शूट कर रहे हैं, तो उससे ही थोड़ी गर्मी से तकलीफ होती थी। क्लाइमेट काफ़ी न्यू दिख रही है, यंग दिख रही है, प्लस मुझे सुनी है और एक छोटी बच्ची भी हमें देखी, और बच्चों के साथ में काम करना डिफिकल्ट टास्क माना जाता है। आपका क्या मानना है इसमें? एक तो सोनम नायर मेरे हिसाब से सबसे अच्छे डायरेक्टर्स में से एक है। उनके साथ अभी तो 2 दिन में मेरा काम ख़त्म हो जाएगा और मैं बहुत खुशी से आपसे ये कहूँगी कि वो बहुत ही संजीदा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी डायरेक्टर हैं काम करने के लिए उनके साथ। और मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं, जैसे कि मैं कह रही थी, मुझे कभी सेट पे थकान महसूस नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं लगा कि क्या कर रहे हैं हम। हमेशा खुशी खुशी महसूस होती थी काम को लेकर, और काम में काफ़ी जगहों में बहुत गंभीरता है, बहुत ड्रामा है, लेकिन फिर भी एक जोश और एक खुशी से काम होता है रोज़। और आई थिंक वो शुरू होता है डायरेक्टर से, वो एहसास। बच्ची तो आप अगर मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज देख रहे हैं और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट देख रहे हैं तो आप अभी तक आप जान गए होंगे कि इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी एक्टर है, इतनी कोऑपरेटिव है वो। मेरा तो मन करता है कि मैं उन्हें अपने पास रख लूँ। और मोहित रायना के साथ काम करना, मैं चाहती थी मैं उनके साथ काम करूं। मैंने उनका काम देखा है और उनके काम को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, और जब मुझे पता चला कि वो इस शो में होंगे तो मैं बहुत खुश हुई। और हमने आई थिंक एक बहुत स्पेशल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया है इस कहानी के ज़रिए, और उम्मीद यही है कि लोगों को हमारी पेयरिंग उतनी पसंद आएगी जितना कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ काम करते हुए मज़ा आया। फाइनली Z5 के अलावा इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट आ रहे हैं और फैंस जी के लिए क्या बोलना चाहते हैं?
मैं यही कहूँगी कि मैं मेहनत करती जाऊँगी और यही कोशिश रहेगी कि अच्छी अच्छी कहानियाँ उन तक ले आऊँ। और अच्छी बात यह है कि आज के दौर में OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की वजह से बहुत अच्छी कहानियों को लोगों तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है, और उम्मीद यही रहेगी कि ये कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।